सुनो सुनो भाइयों सुनो बहनों सुनो अंकल जी सुनो आंटी जी सुनो। आज जहाँ भी देखो लोग सरकार के सफाई अभियान की बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या ये मीडिया के लिए है? नहीं 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 नहीं। क्या ये सेल्फी के लिए है? नहीं 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 नहीं। क्या ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए है? नहीं 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 नहीं। हम ये सफाई अपने देश के लिए अपने शहर के लिए कर रहे हैं और ये एक दिन का काम नहीं हर रोज की जिम्मेदारी है। ये उल्टा समझाने वाली बात है, आप देखते हैं रियलिटी। देखो देखो नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो 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 नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो बच्चे आए नुक्कड़ वाला नाटक लाए। नगर में फैली गंदगी, गाँव में फैली गंदगी, शहर में फैली गंदगी, हर जगह फैली गंदगी, ये गंदगी। देखो देखो नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो 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 नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो। अब हम देखते हैं कि हम लोग जो अपनी रोजाना जिंदगी में कितनी सारी गलतियाँ करते हैं। देखो देखो अरे ये कचरा तो गिर गया, अब इसे कौन उठाए? यहीं से फेंक देती हूँ। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं, मैं तो यहीं से फेंकूंगी। तो देखा आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा, इसका असर सिर्फ हम इंसानों पे नहीं हर एक जीव जंतु पे होता है। मैं हूँ गाय आपकी गौ माता, आओ सुनाओ अपनी दुख भरी गाथा। इधर उधर घूमा करती कचरा खाया करती तो क्या, क्या हुआ होता क्या, बीमार हुई और मर गई। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इंसान। हमें ये रोकना होगा। हाँ, रोकना होगा। कैसे? अब देखते हैं कैसे। आलू ले लो, सब्जी ले लो। भैया एक किलो टमाटर का प्राइस क्या है? 30 रुपए किलो। और एक किलो आलू? 40 रुपए किलो। बाप रे इतना महंगा। हाँ मैडम जी यही भाव चल रहा है। अच्छा ठीक है भैया एक एक किलो दे दो। नहीं नहीं भैया सब अलग अलग थैली में दो। अरे मैडम जी जब एक ही थैली में आ सकते हैं तो अलग अलग क्यों? नहीं मुझे तो अलग अलग पॉलिथिन नहीं चाहिए। अरे मैडम जी सरकार का कुछ और चल रहा है। आप आलू ले लो। अरे मैडम आप इतनी सारी पॉलिथिनों का क्या करेंगी? कुछ नहीं इसमें से सब्जी निकालूंगी और फ्रिज में डालूंगी और पॉलिथिन डस्टबिन में। पर इससे तो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं क्या करूँ, सब्जी भी डालूँ? अरे खरीदिए जरूर खरीदिए, पर आते समय अपने घर से कपड़े की थैली भी तो ला सकते हैं। इससे ना ही हम इंसान या जानवर को कोई हानि होगी और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। ठीक है मैं अपनी बात से ध्यान रखूँ। देखो देखो नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो 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 नाटक देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो। तीन एकम तीन नौ मीटर की बारिश अच्छे साथी।
environment. Cleanliness is a precious grace. Keep germs and dirt at bay. Slow, 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 slow
So get ready with me for the pledge. Cleanliness is just not about personal hygiene, but also about keeping our environment clean. So reduce, reuse, and recycle. Jai Hind. Tiki Club.